दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सौरभ जोशी की एक ऐसी कड़वी सच्चाई बताने वाली हूँ जिसको सुनकर दोस्तों आप लोग चौंक जाएंगे और आपके पैरों तले जमीन घिसक जाएगी। सौरभ जोशी की सच्चाई बता कौन रहा है, पहले ये तो देखो जिसकी खुद की सच्चाई की लंका लगी पड़ी है। टमाटर काट कर अपनी आँख पे रख के पट्टी बांध के आ गई पैरों तले जमीन खिसकवाने। वाह, क्या एक्टिंग मारी है सौरभ जोशी की कड़वी सच्चाई। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से। गालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। आपको विश्वास ही नहीं होगा कि सौरभ जोशी एक इतने ज्यादा बुरे इंसान है कि वो किसी के साथ ऐसा कर सकते। वीडियो में बोल रही सौरभ ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, पर इस व्हाइट बोर्ड पे लिखा है सौरभ जोशी के फैंस ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। एक आंख पे पट्टी बांधे इस समुद्री डाकू के साथ किसी ने गलत नहीं किया, मैं बता रहा हूँ, पर इस खौफनाक औरत ने पब्लिक के साथ बहुत बुरा किया एक गंदा वाला क्लिकबेट करके। वीडियो में बोल रही सौरभ जोशी ने मेरा और मेरी बहन का एक्सीडेंट कर दिया, मेरे घर पे हमला करा दिया। इनकी ये बातें इतनी ही सच्ची है जितनी सच्चाई में ये इनकी आंख फूटी है, यानी 0%। लोगों को बेवकूफ बनाने का इस सुड़ैल ने धंधा खोल रखा है। तुम लोगों ने धंधा खोल YouTube के अंदर। अब आप कहोगे सुडेल क्यों बोल रहा है, सुडेल यू ही ना जिंदा लोगों को ये थंबनेल में मार के ही खा जाती है। शाबाश बेटा। नहीं रहे उज्जवल सर, ट्रिगर्ड इंसान इज नो मोर, नहीं रहे नोनू, नो क्लिक बे। पर वीडियो में जो काटा गया है ना, माफ करना मेरे मुंह से फिसल फिसल के गालियां बाहर आ रही है। नहीं नहीं, ऐसा अखंड लेवल का ये प्राणी आया कहां से है, इसकी जगह यहां पर नहीं अफ्रीकी गेंडों के बीच होनी चाहिए थी। ये पागल दीदी पहले बच्चों को एजुकेशन के पाठ पढ़ाती थी, लेकिन पागल दीदी के नासिका के छिद्र देख के पता नहीं वहाँ के सारे बच्चे भाग क्यों गई। तब पागल दीदी ने अपने दोनों हाथ अपनी आंखों पर रखकर अपने आप को एक अंधेरी गुफा में धकेल दिया, जहाँ सिर्फ और सिर्फ ये अंधेरे में एक्सपोज खेलती है। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। पागल दीदी की जिंदगी सिर्फ और सिर्फ इस व्हाइट बोर्ड पर सिमटी हुई है, जहाँ पर ये अपने ब्लैक होल से नाक के छेदों के सामने 2 मेगापिक्सल का कैमरा रख के कुछ भी बक देती है। ये जो पागल दीदी वीडियो में बकती है ना, उसका वीडियो के थंबनेल और टाइटल से कुछ भी लेना देना नहीं होता। पागल दीदी को देखकर एक और मोहतरमा है जो भी भर भर के क्लिकबेट पे ले जा रही है। फ्लाइंग बीस्ट इज नो मोर, सौरभ जोशी इज नो मोर। कोई इनसे सीखो कि जिंदा आदमी को कैसे मरा हुआ घोषित करना है। इनके ये वीडियो जब इनके घर वाले देखते होंगे तो शाबाशी देते होंगे कि वाह, हमारी बेटी कैसे लोगों को एक झटके में मार देती है। पागल दीदी का सिर्फ एक ही सिंपल सा फंडा है, लोगों को उल्लू बनाकर पैसे सांपने का। वह किसी को मरा हुआ दिखाएगी तो लोग उनके वीडियो पर क्लिक करेंगे, पर क्लिक करने वालों का साफ साफ कटेगा ही, लेकिन हमारी पागल दीदी अपना जेब गर्म कर लेंगी तब तक। पैसा ही पैसा होगा। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता हूँ।